सो हेलो गाइस, वंश पर हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस नॉर्मल वाइट कलर एलईडी को आरजीबी बनाने वाले हैं, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको ये ऊपर वाला जो कैप आपको दिख रहा है, इसको निकाल लेना है। मैंने इसको इस तरीके से निकाल लिया है। अभी हम इसी के अंदर अपना सारा जो सिस्टम है वो लगाने वाले हैं। आपको एक और ये मैंने आयरन का लिया है, आप ये कार्डबोर्ड का भी ले सकते हो, सर्कल टाइप। मैंने पुराने ब्लूटूथ स्पीकर से इसको लिया है जो ख़राब हो चुका था, वो रिपेयर भी नहीं हो पाया, इसीलिए मैंने इसको ले लिया। अभी इसके ऊपर ये लगेगा, तो सबसे पहले इस तरीके से हम इसको लगाएंगे। आपको भी लगाना नहीं है, मैंने सिर्फ दिखाया, इसमें लाइट लगेगी। अभी एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा आपको इसके साइज़ का ले लेना है। अभी इस साइज़ में आपको इसके अंदर एलईडीज लगा लेनी है। ये देखिएगा, मैं कुछ इस तरीके से कुछ आपको आरजीबी लाइट्स दिखा देता हूँ। इसमें कुछ आरबी लाइट है, कुछ आरजीबी। आरबी का मतलब दोस्तों रेड ब्लू, और आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू। तो मैं कुछ इस तरीके से इनके ऊपर इनको लगा के लिए होल यहाँ पे करके रखे हैं। ये मैं यहाँ पे लगा लिया है मैंने। अभी इनके सभी के प्लस प्लस और सभी के माइनस माइनस एक जगह में लगा देने हैं। मैंने इनको भी लगा लिया। अभी मैं आपको थोड़ा इसे जला कर दिखा देता हूँ। ये देखिएगा कितने अच्छे से ग्लो कर रही है और ब्लिंक कर रही है, कलर भी चेंज हो रहा है इनका। अभी इनके अंदर से मैंने दो वायर्स को निकाल लिया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अभी इसके अंदर हम फेविक्विक की मदद से इसको लगा लेंगे। ये भी हमारा लग चुका है। अभी हमें, मैं आपको अगला कंपोनेंट दिखा देता हूँ, हमारी बैटरी। बैटरी के साथ आपको ये ओवर चार्ज सर्किट भी लगा लेना है। ये बैटरी को ज़्यादा चार्ज नहीं होने देगा, ऑटो कट कर देगा। तो मैंने छोटे वाला लिया, बड़ा भी ले सकते हो, तो मैं इसको भी लगा लेता हूँ। ये देखिएगा, ये भी हमारा लग के रेडी है। अभी ये देखिएगा यहाँ पे चिपकेगा भी, मैं इसको नहीं फेविक की मदद से पेस्ट करूँगा, पहले हमारी बैटरी आएगी यहाँ पर। तो मैं आपको थोड़ा बैटरी की मदद से इसको जला के भी दिखाने वाला हूँ। अभी इसके अंदर हमको बैटरी सॉक, चार्जिंग सॉकेट और यह स्विच को लगा लेना है अपने आयरन बॉक्स के अंदर। ये देखिएगा, मैं आपको थोड़ा जला कर दिखा देता हूँ, ये बहुत अच्छे से ग्लो हो रहा है। अभी इसके अंदर मैं सब कुछ लगा लूँगा, ये स्विच भी हम साइड में लगा लेंगे। ये देखिएगा, सभी कंपोनेंट हमारे लग चुके हैं। जैसे ही मैं ऑन करता हूँ इसको, तो आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से ग्लो कर रहा है। अभी हम इसको डार्क में देखते जाके, ये देखिएगा अंधेरे में कितना अच्छा लग रहा है। अगर आपको इसको बनाना है तो आप बना सकते हो, आप इसे टेबल लैंप की तरह भी यूज़ कर सकते हो।